हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी हेल्दी सैंडविच की रेसिपी, आलू और सेब की सैंडविच की रेसिपी। तो इसके लिए हम दो उबला हुआ आलू ले लेंगे। मैश किया हुआ आलू है इसको ले लीजिए पहले। इसके बाद एक मीडियम कटा हुआ प्याज ले लेंगे, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक चौथाई टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक से दो चम्मच टमाटो केचप, यहाँ पे मैंने डेढ़ चम्मच लिया है, हाफ कप ग्रेटेड चीज, सॉल्ट स्वाद अनुसार नमक, इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से, मिक्स कर लीजिए। अभी ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं। इसके ऊपर हम इसके ऊपर बटर लगा लेंगे। सेकेंड स्लाइस पे भी बटर लगा लेते हैं। बटर लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा चीज स्प्रिंकल कर दीजिए, दो तीन चम्मच ग्रेटेड चीज डाल दीजिए इसमें। इसके ऊपर ये जो आलू का मसाला बनाया है उसको डाल देते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नीचे। तो इसको फैला लेते हैं आलू के मसाले को। अभी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आपको अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए चिली फ्लेक्स को, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा सेव डाल देते हैं, क्रिस्पी होने के लिए सेव थोड़ा डाल दीजिए। सैंडविच बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसके ऊपर हम बटर लगाया हुआ सैंडविच उसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा बटर लेके उसको एक पैन में फ्राई कर दीजिए। ऊपर से भी थोड़ा बटर लगा लीजिए और पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करते रहिए। तवा में सेक लीजिए। अभी इसको सर्व करते हैं। बीच में इसमें एक कट लगा लेते हैं, ऐसे डायगोनली या सीधा आपको जैसे पसंद हो आप लगा लीजिए एक कट। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए पूरा अंदर थोड़ा क्रिस्पी बना है और अंदर आलू का भी फीलिंग है। तो एंजॉय कीजिए चाय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।